दोस्तों, गोपालगंज के एक स्कूल का जो कि मामला आप सभी जानते होंगे, अगर आप बिहार के अपडेट यानी बिहार के न्यूज़ देखते होंगे तो, जो ये अय्यापुर स्कूल है जो कि विजयपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, इस स्कूल के जो कि हेडमास्टर अभी हमारे साथ है। और मामला क्या है आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक टीचर और एक जो कि महिला टीचर के साथ जो कि कुछ कहा सुनी हो गया, उसमें से कुछ मतलब कि चप्पल का भी सवाल आ गया। महिला टीचर मार दी जेंट्स को चप्पल से और जेंट्स वाले मार दिए महिला को, तो ये उचित है या उचित नहीं है हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और जो कि अभी तक क्या हुआ वो घटना को लेकर हम इनसे कुछ बात करेंगे। सिर्फ सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? अशोक कुमार यादव मेरा नाम। आप हेडमास्टर हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए, जितना अभी तक आपके स्कूल से घटना घटी है, जो चप्पल से लेकर मतलब जितना कुछ हुआ है, उसके बाद से अभी तक मतलब कि ऊपर से क्या कार्रवाई हुआ है? अभी कोई खास पॉजिटिव उसके विषय में कार्रवाई नहीं है, लेकिन जो है अभी अधिकारी लोग आ ही रहे हैं, अधिकारी डेली विद्यालय पे आते हैं, अपना देखते हैं लोग करते हैं। और वो महिला चप्पल बाद में दिखाया जा रहा है वीडियो, पहले उनके द्वारा लात से मारा गया है, कोट उसका फट गया, यानी वीडियो को एडिट किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि मतलब कि हमारे भी पास एक वीडियो है जिसमें सच्चाई क्या है वो हम लेकर आएंगे, ठीक है? तो मतलब कि इस पे आप क्या कर, उसको दिया गया है, उन्होंने लात से पेट में मारा है महिला को, रीना देवी है। अच्छा, दोनों के बीच जब झगड़ा हुआ है तो दोनों टीचर अभी आपके पास आ रहे हैं पढ़ाने के लिए? वो अमरेश तिवारी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, वो नहीं आ रहे हैं। तो मतलब कि आप उनका जो कि अभी बन है रजिस्टर में चढ़ है नाम की नहीं चढ़ है? नहीं, उसमें अनुपस्थित लिख रहे हैं। अच्छा, वजह क्या हुआ सर, थोड़ा बता दीजिए। झगड़ा जो है ऐसे जानते ही हैं, प्रभार को लेके पहले ही से उनके मन में टिस है, जो कि छोट बिरादरी का यहाँ हेडमास्टर प्रभारी नहीं रहेगा, और यही सब थोड़ा सा मैटर था। बाकी इसको सूचना मतलब आप बड़े अधिकारी को दिए हैं? दे चुके हैं जी। हाँ, तो उन लोग का क्या आश्वासन मिला है? अभी आश्वासन मिला है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे अभी, और डेली डेली अधिकारी आ भी रहे हैं अपना मन ले रहे हैं। यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो लोग आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, कभी चाय को लेकर मारामारी होता है, कभी कुर्सी में बैठने को लेकर मारामारी होता है, कभी पानी को लेकर, उन्हीं के द्वारा वो कुर्सी तोड़ा गया है, चार कुर्सी मारामारी। क्या ये बात सही है या गलत है? बहुत माइनर बात है, उसमें कोई इस तरह की बातें नहीं है, और बहुत बड़ी बात इसको नहीं कहा जाएगा, जो भी बातें हैं ठीक है। पब्लिक के द्वारा भी, पब्लिक भी यहाँ आती है देखती है, तो इस तरह की कोई बहुत नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो है लगातार। अच्छा, स्कूल को क्या ऐसा आप मांग किए हैं, मान लीजिए जैसे कि दोनों टीचर का झगड़ा हुआ है, तो क्या बड़े अधिकारी से आप मांग किए हैं कि दोनों को अलग अलग किया जाए? ऐसा अभी ऐसा मैंने नहीं कुछ किया है, अब अधिकारी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम आपका बयान सुने हैं कि आप भी उनसे कुछ ना कुछ डरते थे, मतलब कि अपना बचाव के लिए। 6 महीना पहले हमके राइफल विपल से घर में कैद किए थे, राइफल भी दिखाए थे कि प्रभार छोड़ दो ना तो गोली मार देंगे तुमको, यही पहले किडनैप किए थे। हाँ हाँ, उसके बाद आप तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? हमने दिया FIR, लेकिन FIR नहीं हुआ। सर, अभी जो स्कूल में मामला जा रही है, एक वीडियो स्क्रीन में देखा जा रहा है कि टीचर और छिलका के बीच चप्पल से पीटा की हुई है, उस चीज़ों को लेकर जो छात्र स्कूल के, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर, थोड़ा बताइए? वो तो प्रभाव पड़ेगा ही, आज से हमने इसीलिए हम आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये वीडियो न बनाया जाए। अच्छा, मीडिया, एक बात बताइए सर, अभी जो मीडिया वाले आपके स्कूल में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, वो तो मान लीजिए कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है सर, और बच्चे जो है चूँकि भविष्य है, बच्चों के लिए हम यहाँ हैं, व्यवस्था में हम लगते हैं कि ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे बच्चे ही जी जान है, बच्चों से बढ़कर नहीं है, बच्चे नहीं रहेंगे तो हम इस विद्यालय में रह के क्या करेंगे, वही सब मेन चीज़ है। सर, एक छोटा सा प्रश्न, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर जी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे? हम सर यही आग्रह करना चाहेंगे कि ये जो उपद्रव है, अभद्रता है, इसको वास्तविक जाँच करके उसका वास्तविक निदान किया जाए, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा बस। ये धन्यवाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी हमें जो कि अहियापुर के जो हेडमास्टर थे, हम इनसे बात किए और जानने का प्रयास किया, और मैटर क्या था वो आप सभी जान चुके हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो चुका है, और कहीं ना कहीं गोपालगंज का ये जो कि नाम खराब हो रहा है, और समझिए कि इसका जाँच पूरी अच्छा तरीका से हम प्रशासन से और शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी अच्छा तरीका से जाँच हो। जहाँ शिक्षा का मंदिर है वहाँ पर जैसा राजनीति व्यवस्था, राजनीति आंकड़ा
आंकड़ा ना लाया जाए, क्योंकि बच्चों का इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही मीडिया कहीं नहीं स्कूल में जाती है, लेकिन ऐसा जो सामना हुआ है इसका जो कि मेरा बहुत जो कि दुख आभार करता हूँ, और ये निवेदन करता हूँ कि इस मैटर को अच्छी तरीके से जाँच किया जाए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। जाते जाते आप देख रहे थे जो कि टार्जन 24 न्यूज बैरागी लड़ाई और रिपोर्टर अनूप। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और आपको एक बार बता दूं हम इससे जो कि यहाँ के जो कि बड़े अधिकारी है शिक्षा विभाग के, हम उनसे भी मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और इस मैटर पर समझे कि क्या अभी तक वो किए हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।